Hello friends, myself Dr. Veena and I am coming with a new topic, that is methods of psychology. Methods of psychology ka arth hua manovigyan ki vidhiyan. Manovigyan mein kaun kaun si vidhiyon ke through behavior analysis kiya jata hai. Kyunki is class ko karne ke pehle concept of psychology and history of psychology को आपको जानना बहुत आवश्यक है, इसलिए अगर आपने मेरा जो पहले का क्लास है वो नहीं किया है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप वहां जाकर कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी जरूर से पढ़ लें, तब आपको मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी समझने में बहुत ही आसानी होगी. और आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि साइकोलॉजी इज अ बिहेवियरल साइंस. तो जब हम बिहेवियर का अध्ययन करते हैं तो उसके अध्ययन की कौन कौन सी मुख्य विधियां हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे. मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में बेसिकली पांच मुख्य मेथड्स की चर्चा हम यहां करेंगे. वन बाय वन सारे मेथड्स को हम लोग पर क्लास डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा क्लास अगर सारे मेथड्स को हम लोग इसी एक क्लास में करें तो. और एक एक मेथड्स के सारे मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, यानी कि जो जो इसकी सीमाएं हैं, क्या इसकी विशेषता है, क्या गुण है और क्या इस विधि की, इन विधियों की क्या क्या कमियां हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे. तो इसलिए आज इस क्लास में इंट्रोस्पेक्शन मेथड को हम लेके चलेंगे. कौन कौन से मुख्य मेथड्स हैं उन पर हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं. फर्स्ट जो है वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, यानी अंतः निरीक्षण विधि. सेकेंड ऑब्जर्वेशन मेथड है, यानी वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि भी कहते हैं इसको. थर्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी प्रयोगात्मक विधि. फोर्थ केस स्टडी मेथड है और फिफ्थ सर्वे मेथड है. ये पांच मुख्य मेथड्स हैं जिनकी चर्चा हमें करनी है. वन बाय वन हम पर क्लास इस पर डिस्कशन करेंगे, इसके को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किन किन विधियों की क्या विशेषताएं हैं, क्या लिमिटेशंस है. ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बारे में कॉन्सेप्ट को समझना. सबसे पहली बात ये समझनी है, इंट्रोस्पेक्शन जो है, इंट्रोस्पेक्शन दो वर्ड से मिलके बना है. लिटरल मीनिंग को समझने की आवश्यकता है. इंट्रो, इंट्रो इट मीन्स विद इन, एंड इंस्पेक्शन इट मीन्स ऑब्जर्विंग या निरीक्षण करना. यानी इस विधि में फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव होता है, यानी एक व्यक्ति ही. फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसे फीलिंग हो रही है वो खुद अपने अंदर ही स्वयं निरीक्षण करके बताता है. ठीक है, फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव है. इंट्रोस्पेक्शन का लिटरल मीनिंग क्या हुआ, विद इन यानी लुकिंग और ऑब्जर्विंग विद इन सेल्फ, यानी एक व्यक्ति खुद के अंदर ही झांकता है, खुद के अंदर चीज़ों को, फीलिंग्स को अनुभव करता है और बताता है. अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड किसने लाया, कब ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड कब आया, क्यों आया, इस विधि को, इस टर्म को हम समझना होगा. इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो वुंट लाए थे 1879 में. पिछले के क्लासेस में जब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी या फिर डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि विलियम वुंट 1879 में लिप्जिग में साइकोलॉजी की पहली प्रयोगशाला उन्होंने खोली थी. और उन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, यानी कि चेतन अनुभूति का विज्ञान है. और जब उन्होंने ये कहा कि चेतन अनुभूति यानी कॉन्शियस एक्सपीरियंस का विज्ञान है, तो फिर उन्होंने इस कॉन्शियस एक्सपीरियंस की स्टडी करने के लिए कौन सी विधि बताई, तो उन्होंने बताया कॉन्शियस एक्सपीरियंस के लिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड ही बेस्ट मेथड है, यानी अंतः निरीक्षण विधि ही है. क्योंकि कॉन्शियस एक्सपीरियंस का अर्थ ही होता है चेतन अनुभूति, यानी आपके अंदर जो फीलिंग्स आ रही है उसके बारे में अध्ययन करना. तो आपके अंदर, किसी के अंदर अगर कोई फीलिंग आ रही है तो कौन बताएगा, वो खुद व्यक्ति ही तो बताएगा ना. तो ये जो इसके अध्ययन की विधि है वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है. इस फिगर से इस बारे में हम अच्छे से समझ सकते हैं. ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये व्यक्ति है, ठीक है,
ये व्यक्ति के अंदर कॉन्शियस एक्सपीरियंस है और उस कॉन्शियस एक्सपीरियंस को कौन ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये व्यक्ति खुद ही ऑब्जर्व कर रहा है। सेम व्यक्ति है और सेम ऑब्जर्वर है, ये हो गया ऑब्जर्वर, और ये वो व्यक्ति है जिसे फीलिंग या कॉन्शियस एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये व्यक्ति खुद अपने भीतर विदिन इट्सेल्फ झांक रहा है, यानी ऑब्जर्विंग विदिन हो रहा है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी यूजफुल इन सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑन टाइम, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी डिवाइस, इसमें किसी डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद अपने अंदर झांक रहे हो तो इसमें किसी डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द ओनली मेथड बाई विच द एक्सपीरियंस कैन बी नोन, यही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस के बारे में हम जान सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके मेरिट एंड लिमिटेशन पर, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक एक इसके पॉइंट को हम लोग समझें, क्योंकि कॉन्सेप्ट को तो समझ लिए, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ही है कि अपने अंदर खुद झांकना और खुद झांक कर अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस के बारे में बताना, ठीक है। तो मेरिट एंड लिमिटेशन पर जब हम लोग देखते हैं तो इसमें फर्स्ट जो मेरिट है इस पर हम लोग देखेंगे कि क्या इसके गुण हैं। तो फर्स्ट तो है कि यूनिक मेथड है, ठीक है। यूनिक मेथड इसलिए है कि सीधे बिल्कुल जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है उसका सीधे हम लोग अध्ययन करते हैं, मतलब एकदम प्योर फॉर्म जो होता है वो आता है निकल के, ठीक है। और इसके अलावा कोई विधि है ही नहीं, इसलिए ये बिल्कुल ही यूनिक है, सिंगल ये मेथड है, ठीक है। अब सेकंड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड है यानी कि अपनी फीलिंग्स और एनालिसिस को व्यक्ति खुद ही एनालाइज करता है, खुद ही डिस्क्राइब करता है और बताता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें किसी भी वाया मीडिया किसी चैनल की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड जो है वो स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज अ स्ट्रक्चरल मेथड, क्योंकि कॉन्शियस एक्सपीरियंस के रचनात्मक तत्वों का सीधा अध्ययन होता है, मतलब कॉन्शियस एक्सपीरियंस के भी तो स्ट्रक्चर होता है ना, टुकड़ों में वो बटी होती है, टुकड़ों में उनकी संरचना होती है, तो उन सभी तत्वों का सीधा अध्ययन हो पाता है स्ट्रक्चरल, ये मेथड बहुत स्ट्रक्चरल होती है, ओके। नेक्स्ट जो है वो है सिंपल। इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज़ अ वेरी सिंपल मेथड, किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, हमको मीडिया किसी भी मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है, किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपनी फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करते हैं। और नेक्स्ट है इसको, इसकी जो मेरिट है वो है रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। देखिए विश्वसनीयता पे थोड़ा सा संदेह है, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि क्या है कि विश्वसनीयता तो 101% हो सकती है अगर जिस व्यक्ति को वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस हो रहा है और वही व्यक्ति अगर उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो अगर तटस्थता के साथ, अगर ऑनेस्टी के साथ अपने एक्सपीरियंस को अध्ययन करके बता देता है तो बहुत अच्छी विधि है, रिलायबल है, बहुत ही वैलिड है ये। बट ऐसा बहुत से केसेस में नहीं होता है, व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को छुपा लेता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे अगर एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को गुस्से में एक झापड़ दे दिया, ठीक है, गुस्से में एक स्लैप उसको लगा दिया। अब चूंकि टीचर को स्टूडेंट बहुत पसंद करता है और टीचर से थोड़ा डर ही आप कह लीजिए, तो टीचर ने कहा क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मैंने तुम्हें मार दिया, तो चूंकि उसे तकलीफ हुई है पर वहाँ पर उसे दुख हुआ, वहाँ उसे दर्द हुआ, फिर भी वो स्टूडेंट कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आपने मारा कोई बात नहीं है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, मुझे दुख नहीं हुआ मुझे। तो यहाँ क्या हुआ, फीलिंग्स को उसने गलत एक्सप्लेन किया। आपको आंसू गिर रहे हैं बट आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं ये तो खुशी के आंसू, ये गलत है। मतलब अगर ऑनेस्टी के साथ आप अपनी फीलिंग्स को जज करते हो और एक्सप्रेस करते हो तब तो इससे अच्छी कोई विधि नहीं हो सकती है, रिलायबल है, पर ऐसा होता नहीं है। कई बार अपनी फीलिंग्स के बारे में गलत
इंटरप्रेट करते हैं, और चूंकि जो फीलिंग हो रही है वो विदिन इट्सेल्फ है, उस व्यक्ति के भीतर हो रही है, तो वो जो बताएगा हमें उसे मानना पड़ता है। अब लिमिटेशन की बात आती है। ये तो मेरिट्स बहुत सारे हो गए, बट लिमिटेशन भी कम नहीं है इसके। सबसे पहला लिमिटेशन या सीमा क्या है, कमी क्या है? सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि ये एक सब्जेक्टिव मेथड है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है, यानी आत्मगत है। मैं ईच एंड एवरी टर्म का, हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म में बता रही हूँ आपको, इसके कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे से समझ के। एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन आएंगे और इसलिए उस पर पूरा ध्यान रखना है। पहला क्या है, ये सब्जेक्टिव है यानी ये आत्मगत है, क्योंकि कॉन्शियस एक्सपीरियंस का अध्ययन व्यक्ति खुद ही कर रहा है और खुद ही उसको एक्सप्लेन कर रहा है। इसलिए अगर वो छुपा लेता है, जैसे मैंने यहाँ कहा था रिलायबिलिटी की बात की थी, अगर वो छुपा लेता है तो फिर ये अनसाइंटिफिक हो जाएगा, क्योंकि जो स्टडी आएगा हमारे पास, जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो गलत आएगा, ठीक है। सेकेंड जो है फ्लक्चुएटिंग कॉन्शियसनेस, दूसरा लिमिटेशन इंट्रोस्पेक्शन का क्या है, फ्लक्चुएटिंग कॉन्शियसनेस यानी कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो होती हैं वो स्थिर नहीं होती हैं, ठीक है, स्टैटिक नहीं होती हैं, बल्कि काफ़ी चंचल होती हैं। बहुत थोड़े समय के लिए ही कुछ अनुभव आते हैं हमारे पास और फिर थोड़ी देर बाद आ रहे हैं, और आप खुद जब उसका एक्सप्लेन करते हो तब तक हो सकता है वो प्योर जो फॉर्म था वो नहीं रहा, वो चेंज हो गया, ठीक है। आप उसको जज नहीं कर पाए कि आपको वो फीलिंग थी कैसी, तो इसलिए फ्लक्चुएटिंग कॉन्शियसनेस के कारण आप इसको सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो फिर वो अनसाइंटिफिक हो जाता है। थर्ड लिमिटेशन है इनकॉम्पिटेंसी ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा की असमर्थता, क्योंकि बहुत से एक्सपीरियंस या अनुभव व्यक्ति को ऐसे होते हैं जिन्हें सही ढंग से भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे चीनी खाने पे मिठास का अनुभव तो होता है, पर उसको एक्सप्लेन करना कितना कठिन है ना। कई बार होता है ऐसा कि आप, बहुत से एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो बहुत खुशी है आपको, बहुत खुशी है, बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत दुख है पर फिर भी उसको वर्ड्स में आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, या शाई है, या फिर कुछ ऐसा है, शर्म है, हेजिटेशन है, जिसके कारण भी वो बहुत से एक्सपीरियंस को आप बता नहीं पाते हो, तो क्या होता है, लैंग्वेज, इनकॉम्पिटेंसी ऑफ लैंग्वेज की प्रॉब्लम के कारण ये मेथड जो है वो शक के दायरे में आ जाती है। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो है डबल प्रोसेसेस। क्यों है? क्योंकि क्या है, जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, इंट्रोस्पेक्शन क्या है, इंस्पेक्शन ही क्या है, क्या है, एक एग्ज़ाम है, किसी का एग्ज़ाम करके हमको कोई स्टडी प्राप्त करनी है, तो यहाँ जो एग्जामिनी है और एग्जामिनर है दोनों सेम है, एक व्यक्ति ही है जो खुद अपना कॉन्शियस एक्सपीरियंस का एग्जामिनी भी है और एग्जामिनर भी है, वो बता रहा है, ठीक है। तो चूंकि वही व्यक्ति अपना अध्ययन कर रहा है और साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस से पता चलता है कि एक समय में दो क्रियाओं को सही ढंग से करना संभव नहीं, इसलिए इस मेथड के आधार पे जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिलायबल या विश्वसनीय नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो डिफ़िकल्टी ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मेरिट या लिमिटेशन जो भी कहें इसे, बट डिफ़िकल्टी ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण करना एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है इंट्रोस्पेक्शन में, ठीक है। अपने चेतन अनुभवों को समझना उतना आसान नहीं होता है, कई बार खुद व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस को समझने में असमर्थ हो जाता है। इस हालत में इस मेथड से निकाले रिजल्ट भी अनसाइंटिफिक या गलत हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कई बार व्यक्ति बहुत डिप्रेस फील कर रहा है बट उसको बता नहीं पा रहा या बताना नहीं चाहता है, तो डिफ़िकल्टी होती है। अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में भी कई बार समझ में नहीं आता है कि हम किस मेंटल स्टेट में हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन, लैक ऑफ रिपीटेशन का अर्थ हो गया पुनरावृत्ति का अभाव,
देखिए साइंटिफिक स्टडी जो भी होगी ना उसको हम रिपीट कर सकते हैं, रिपीट करके चेक कर सकते हैं कोई भी चाहे तो वो साइंटिफिक होती है। इस मेथड की एक कमी यह है कि इसमें रिपीटेशन वाला गुण नहीं होता है, पुनरावृत्ति का गुण नहीं है। किसी भी साइंटिफिक मेथड के लिए यह एक नेसेसरी क्राइटेरिया है कि उस स्टडी को कोई भी दोहरा सके और रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड में ऐसा नहीं होता क्योंकि कॉन्शियस एक्सपीरियंस काफ़ी चंचल होते हैं, मैंने कहा था ना फ्लक्चुएटिंग कॉन्शियसनेस होता है, चंचल होता है एवं अस्थिर होता है, इसलिए इसे कोई दोहरा नहीं सकता है, इसलिए ये फिर हो गया अनसाइंटिफिक। नेक्स्ट लिमिटेशन जो है वो लैक ऑफ वेरिफिकेशन, यानी लैक ऑफ वेरिफिकेशन का मतलब हुआ कि वेरिफिकेशन की कमी है, इसमें प्रामाणिकता की कमी है। किसी भी साइंटिफिक मेथड की एक विशेषता यह होती है कि जो रिजल्ट्स आते हैं उसे कोई दूसरा व्यक्ति वेरीफाई भी कर सकता है, कोई भी चाहे तो वेरीफाई कर सकता है, ठीक है। परंतु इंट्रोस्पेक्शन मेथड में ऐसा है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है, ऐसा होता ही नहीं है। इसे एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे एक कोई फूल है, जैसे गुलाब का फूल है, उसको देखने पर व्यक्ति अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस का जो एक्सप्लेन करेगा उसकी जांच या वेरिफिकेशन कोई दूसरा व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस के आधार पर करे यह संभव नहीं, इसलिए इसे वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि भाई लैक ऑफ वेरिफिकेशन यानी प्रामाणिकता की कमी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लिमिटेड स्कोप। इस मेथड की सबसे बड़ी सीमा यही है कि भाई लिमिटेड स्कोप है, बहुत सीमित क्षेत्र है। सीमित क्षेत्र कैसे है, देखिए इस मेथड को एक तो है कि सिर्फ मनुष्यों पर ही कर सकते हैं क्योंकि मनुष्य में बुद्धि होती है, वो बता सकते हैं, पशु पक्षियों पर नहीं किया जा सकता है। और दूसरी लिमिटेशन ये हो गई कि मनुष्यों पे भी आप सिर्फ नॉर्मल मनुष्यों पे कर सकते हैं जिनको सोचने समझने की लॉजिकल रीजनिंग की क्षमता है, आप एबनॉर्मल पे नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आप बच्चों पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि बच्चे भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं लिटरल मीनिंग्स पे, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाएंगे शब्दों में, ठीक है। तो अब फिर होगा कि जैसे गूंगे, बहरों, इन लोगों पे भी नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इंट्रोस्पेक्शन का सबसे बड़ा यही है कि लिमिटेड स्कोप है, इसका क्षेत्र जो है बहुत सीमित है, आप सभी पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए इस विधि की सबसे पुरानी विधि होने के बावजूद, जैसे विलियम मुंट ने, मैंने कहा विलियम मुंट ने 1879 में, ठीक है, इस विधि को लाए थे, परंतु फिर भी सबसे पुरानी विधि होने के बावजूद ये विधि उतनी साइंटिफिक नहीं है। फीलिंग्स का अध्ययन तो हमें करना ही है, बट चूंकि हम साइकोलॉजी को बिहेवियरल साइंस जब कहते हैं तो हमें बिहेवियर का अध्ययन करना है। बिहेवियरिज्म जो वॉटसन ने लाया था, उन्होंने क्या कहा था कि बिहेवियर एनालिसिस ही साइकोलॉजी करता है। तो साइकोलॉजी अगर बिहेवियर एनालिसिस करते हैं तो फिर इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो होगा वो साइंटिफिक नहीं रहेगा, उसके थ्रू हम साइंटिफिक रिजल्ट्स नहीं दे सकते हैं। आई होप आपने इंट्रोस्पेक्शन मेथड को बहुत अच्छे से समझा होगा क्योंकि कॉन्शियस एक्सपीरियंस के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि जो है वो अंतर निरीक्षण विधि या इंट्रोस्पेक्शन मेथड ही है, जिसे विलियम मुंट ने दिया था। कब दिया था? 1879 में दिया था। तो आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिहेवियर एनालिसिस की सेकेंड मेथड जो है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसे बाह्य निरीक्षण विधि भी कहते हैं, जिसे किसने दिया था? वॉटसन ने दिया था, जो कि बिहेवियरिज्म के संस्थापक थे। तो मैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि जो मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं हमारे से, तो उन लोगों को जो असाइनमेंट्स दिया जा रहा है काइंडली उसको टाइम टू टाइम टाइमली आप उसको सबमिट करें। थैंक यू।